नमस्कार, आप देख रहे हैं एचटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। मां को बचाने के दौरान खुद गंडक नदी में डूबे पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड में पदस्थापित मनरेगा के तकनीकी सहायक, एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी के नेतृत्व में पटना से आए उद्योग विभाग की टीम ने सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों के भूमियों का किया मुआयना। अनुमंडल कार्यालय के सभागार में एक बैठक हुई संपन्न। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में पत्रकार पर जानलेवा हमला करने वाले अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही है तवातोड़ छापेमारी। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित बाइक सवार हुआ दुर्घटना का शिकार, 3 लोग घायल, इलाज जारी। दुर्गा पूजा को लेकर पश्चिमी चंपारण के साठी थाना परिसर में की गई शांति समिति की बैठक, दिए गए कई जरूरी दिशा निर्देश। पूर्वी चंपारण के सुगौली में रेल पुलिस की कार्रवाई, भारी मात्रा में चरस किया बरामद, अग्रिम कार्रवाई में जुटी पुलिस। मोतिहारी नगर निगम चुनाव को लेकर जारी है नामांकन का दौड़। वार्ड नंबर 45 से सुजाता देवी ने किया नामांकन, जनता से की अपने पक्ष में वोट करने की अपील। बर्थडे पार्टी में तमंचे पर डिस्को करते एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। वीडियो सत्यापन के बाद जांच में जुटी पूर्वी चंपारण की शिकारगंज पुलिस। और पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने 2 बाइक के साथ भारी मात्रा में शराब किया जब्त। पुलिस को देखते ही धंधेबाज हुआ फरार, शराब धंधेबाजों की पहचान करने में जुटी पुलिस। पूर्वी चंपारण के कोटवा प्रखंड में पदस्थापित मनरेगा के तकनीकी सहायक शुभम कुमार आज सुबह डुमरिया घाट स्थित गंडक नदी में डूब गए, जहां गोताखोरों की टीम उनकी तलाश में जुटी है। मिली जानकारी के मुताबिक वे अपनी मां को स्नान कराने के लिए कोटवा से डुमरिया घाट लेकर गए थे। स्नान के दौरान नदी में डूबने लगी मां को बचाने के क्रम में वे खुद डूब गए। वहीं मां को गोपालगंज के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं एनडीआरएफ की टीम शुभम को खोजने में जुटी है। सूचना पर कोटवा वीडियो सरीना आजाद व कोटवा सीओ सहित अन्य पुलिस अधिकारी घटना स्थल पहुंच गए हैं। जानकारी के मुताबिक शुभम समस्तीपुर जिले के निवासी बताए जाते हैं। खबर प्रस्तुत किए जाने तक एनडीआरएफ की टीम शुभम को खोजने की कोशिश में जुटी है। पटना से पूर्वी चंपारण पहुंचे उद्योग विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित, हस्तकरघा एवं रेशम प्रक्षेत्र के निदेशक विवेक कुमार एवं पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक के द्वारा ढाका प्रखंड के गही में उद्योग स्थापित करने हेतु चिन्हित 7 एकड़ भूमि का भौतिक निरीक्षण किया गया। अनुमंडल कार्यालय सिकरहना के सभाकक्ष में निदेशक उद्योग विभाग बिहार सरकार की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना अंतर्गत ढाका में बैग निर्माण उद्योग को विकसित करने हेतु संबंधित पदाधिकारियों, अनुभवी व्यवसायियों एवं कामगारों के साथ समीक्षा बैठक भी आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि मुंबई में हजारों की संख्या में मोतिहारी जिले के अनुभवी व्यवसायी एवं कामगार बैग निर्माण उद्योग से जुड़े हुए हैं। इन सभी अनुभवी व्यवसायियों एवं कामगारों को स्थानीय स्तर पर बैग उद्योग को विकसित कर रोजगार मुहैया कराया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना को धरातल पर त्वरित कार्रवाई हेतु उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं ऑनलाइन आवेदन करने हेतु सिंगल विंडो सिस्टम का निर्माण, बैंक ऋण उपलब्धता, विद्युत सब्सिडी, शेड निर्माण, कामगारों को प्रशिक्षण हेतु उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जीविका परियोजना प्रबंधक को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि योग्य चिन्हित जीविका समूह को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ देने हेतु प्रेरित करेंगे, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को आर्थिक माली हालत में सुधार लाया जा सके। एलडीएम मोतिहारी को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना अंतर्गत भौतिक लक्ष्य को यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि संबंधित बैंक एवं जिला प्रशासन के सहयोग से मोतिहारी जिले में उद्योग को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को रोजगार से जोड़ा जा सके। इस अवसर पर अपर समाहर्ता आपदा अनुमंडल पदाधिकारी सिकरहना, पीजीआरओ सिकरहना संजय कुमार गुप्ता, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र मोतिहारी अंचलाधिकारी रीना कुमारी के साथ साथ अनुभवी व्यवसायी एवं कामगार उपस्थित थे। पश्चिमी चंपारण की मझौलिया पुलिस ने एचटीवी न्यूज के पत्रकार राजू शर्मा पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों के विरुद्ध थाना कांड संख्या 699/2022 अंकित कर त्वरित कार्रवाई करते हुए बैठनिया भानाचक वार्ड नंबर 10 गुरचुड़वा निवासी
स्वर्गीय बैद्यनाथ प्रसाद के पुत्र जवाहिर शाह उर्फ जवाहिर प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। उक्त जानकारी पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष अभय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि इस कांड में जवाहिर शाह, हीरालाल शाह, छोटेलाल शाह, भूलन शाह सहित अन्य अभियुक्त हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस हर संभव ठिकानों पर सहायक अवर निरीक्षक संजय कुमार के नेतृत्व में ताबातोड़ छापेमारी कर रही है। थानाध्यक्ष ने स्पष्ट कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकार पर हमला करने वाले किसी भी कीमत पर बक्से नहीं जाएंगे। इधर पत्रकारों ने अन्य नामजद अभियुक्तों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। बताते चले कि अपने जमीन पर बांस का टाटी रख रहे पत्रकार की मां, भाई राजेश शर्मा तथा पत्रकार राजू शर्मा को दबंगों ने मारपीट कर बुरी तरह जख्मी कर दिया था, जिसको लेकर पत्रकार राजू शर्मा की मां द्वारा मझौलिया थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दिनांक 23/9/22 को मझौलिया थाना कांड संख्या 699/22 पंजीकृत हुआ था, जिसमें कांड के अभियुक्त जवाहिर शाह उर्फ जवाहरलाल प्रसाद तथा स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद साकिन गुरचुरवा वार्ड नंबर 10 थाना मझौलिया जिला पश्चिम चंपारण को त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया है। न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजने की कार्रवाई की जा रही है। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी छापेमारी जारी है। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज बेतिया मुख्य मार्ग स्थित हरनहिया चौक पर आज एक बुलेट सवार अनियंत्रित होकर हरनहिया निवासी उगम यादव को ठोकर मार दी। इस दौरान शिकारपुर थाना क्षेत्र के त्रिलोकवा निवासी बाइक चालक रिजवान आलम व बाइक पर सवार नौतनवा निवासी वसीम अख्तर भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची साठी पुलिस ने तीनों घायलों को चनपटिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। पश्चिमी चंपारण के साठी में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने को लेकर आज साठी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष उदय कुमार ने की। इस दौरान थाना अध्यक्ष श्री कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि दुर्गा पूजा को लेकर सभी पूजा पंडालों व अन्य चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। सभी पूजा पंडाल में CCTV लगाना अति आवश्यक है। उन्होंने सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि मिलजुल कर दुर्गा पूजा पर्व को मनाएंगे, किसी भी परिस्थिति में किसी अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। यदि किसी तरह की अफवाह की सूचना मिलती है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को देंगे। साथ ही पूजा कमेटी को विसर्जन जुलूस तय रूट पर करने की अपील की गई। वहीं दुर्गा पूजा सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन करते हुए शांतिपूर्ण और भाईचारगी के साथ मनाने का थाना अध्यक्ष ने अपील किया। मौके पर थाना क्षेत्र के पूजा कमेटी के सभी अध्यक्ष व जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही। आगामी दुर्गा पूजा पर्व को शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए सब समुदायों के लोगों को, जनप्रतिनिधियों को के साथ साड़ी थाना प्रवेश में बैठक की है, ताकि दुर्गा पूजा को शांति से सामाजिक सद्भाव में और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया जाए। किसी प्रकार का अगर कोई अफवाह फैलाता है तो उन अफवाहों को रोका जाए, इन सब चीजों के लिए जारी विमर्श किया गया है और शांति समिति की बैठक। पूर्वी चंपारण की सुगौली रेल पुलिस ने भारी मात्रा में चरस बरामद किया है। जानकारी के अनुसार स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर RPF प्रभारी शशिभूषण सिंह गश्त लगा रहे थे। इसी बीच उन्होंने स्टेशन के पूर्व पेड़ के समीप लावारिस हालत में एक ट्रॉली बैग को देखा और लोगों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने इसे अपना नहीं बताया। तब शक बढ़ गया और GRP प्रभारी मोहम्मद मुजम्मिल को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही रेल SI शंभु और अनिल कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। रेल पुलिस ने जब ट्रॉली बैग की तलाशी ली तो उसमें एक कंबल के अंदर प्लास्टिक में 20 पैकेट चरस जैसा सामान रखा हुआ मिला, जिसका वजन करीब 10 किलोग्राम है। रेल पुलिस ने चरस जैसे पदार्थ को जब्त कर लिया है और CO धर्मेंद्र गुप्ता को मामले की सूचना दी। रेल पुलिस आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर अज्ञात स्मगलर के खिलाफ केस दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटी है। रेल थाना अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस जब्त चरस की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई है। पुलिस मामले में अग्रिम कार्रवाई कर रही है। मोतिहारी नगर निगम चुनाव को लेकर नामांकन का दौर जारी है। तमाम प्रत्याशी जोर आजमाइश में लगे हैं। इसी कड़ी में नगर निगम मोतिहारी के वार्ड नंबर 45 बड़ा बरियारपुर से सुजाता देवी ने वार्ड पार्षद पद के लिए नामांकन किया है। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैं मात्र एक प्रतिनिधि बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही हूं, बल्कि मेरा उद्देश्य वार्ड का सर्वांगीण विकास करवाना है। लोगों को बिजली, सड़क, नाली की समस्या से मुक्ति और गंदगी की समस्या से छुटकारा दिलाना, वार्ड के सर्वांगीण विकास के साथ साथ सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ वार्ड के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना मेरा लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि वार्ड के लोग अपने विभिन्न हक अधिकार के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं और उनका काम नहीं हो पाता है। ऐसी समस्याओं से लोगों को मुक्ति दिलाना मेरी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि वार्डवासियों के लिए शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी, रोजगार आदि की उत्तम व्यवस्था किया जाएगा। इस अवसर पर वार्ड 45 से अधिवक्ता रोहित सिंह, प्रमोद पटेल,
सलोनी सिंह, प्रीति सिंह, सौरभ सिंह, उज्जवल गौरव, विनय सिंह, राजू सिंह, अनुज आदि मौजूद रहे। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि विनय कुमार सिंह और उनकी पत्नी वार्ड पार्षद प्रत्याशी सुजाता देवी पहले से वार्ड वासियों के सुख दुख में हमेशा साथ रहती है। इस अवसर पर वार्ड पार्षद प्रत्याशी सुजाता देवी के पुत्र प्रकाश कुमार सिंह ने वार्ड 45 की जनता से अपनी मां के पक्ष में वोट करने की अपील की। प्रथम वार्ड नंबर 45 के सम्मानित जनता को मेरा प्रणाम है। आज उनके आशीर्वाद से हम लोग नामांकन करने आए हैं और हम लोग शुरू से गांव में सभी से मिलजुल कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई मतभेद किसी जनता से या किसी परिवार से आज तक न हुआ है न होगा आगे। और बड़ा बरियारपुर वार्ड नंबर 45 का जो विकास अधूरा है उसके सपने को साकार करने के लिए आज हम चुनाव के मैदान में आए हैं। और हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी अधूरा विकास दिखाई दे रहा है, वह रोड हो, नाला हो, सड़क हो, किसी प्रकार का लाइट की व्यवस्था गांव में नहीं है, उस सारे सपना को पूरा करेंगे। और वार्ड नंबर 45 की जनता से आग्रह करते हैं कि एक बार हमें आशीर्वाद देकर हमें पार्षद के रूप में चुने। हमारी माँ श्रीमती सुजाता देवी चुनाव के मैदान में खड़ी हैं, एक बार उनको मौका दे। पूर्वी चंपारण जिले के शिकारगंज थाना क्षेत्र में आर्केस्ट्रा के दौरान पिस्टल लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल वायरल वीडियो शिकारगंज थाना क्षेत्र के सिरौना गांव का बताया जा रहा है, जहां एक बर्थडे पार्टी में भोजपुरी गानों पर पिस्टल लहराते हुए कई युवक एक साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि यह जांच का विषय है, एसटीवी न्यूज इस वायरल वीडियो का सत्यापन नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि शिकारगंज थाना क्षेत्र के सिरौना गांव निवासी जवाहिर शाह के पुत्र का बर्थडे पार्टी था। बेटे के बर्थडे पार्टी में शामिल होने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए बार बालाओं को भी बुलाया गया था, जहां अश्लील भोजपुरी गानों पर आर्केस्ट्रा की डांसर के साथ दो युवक पिस्टल निकालकर लहराते हुए डांस करने लगे, जो वीडियो में साफ देखा जा सकता है। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। इस संदर्भ में शिकारगंज थाना अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने बताया कि बर्थडे पार्टी में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो मिलने के बाद उसका सत्यापन किया गया। उन्होंने बताया कि सिरौना गांव के जवाहिर शाह के पुत्र के बर्थडे पार्टी में जवाहिर शाह के ससुराल से कुछ युवक आए थे, उन्हीं का हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपियों को चिन्हित कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पूर्वी चंपारण की ढाका पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर ढाका स्थित अप्सरा सिनेमा हॉल के नजदीक से दो बाइक पर जूट के बोरे में लदे 960 बोतल नेपाल निर्मित शराब के साथ दो बाइक को जब्त किया है। जानकारी के अनुसार दो धंधेबाज नेपाल से शराब की खेप ला रहे थे, जो पुलिस को देखते ही बाइक के साथ शराब छोड़कर ढाका गुदरी बाजार के रास्ते भागने में सफल रहे। इस संबंध में ढाका थाना अध्यक्ष ने बताया कि शराब के साथ दो बाइक को जब्त कर लिया गया है। फरार हुए शराब धंधेबाजों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो HTV News के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। Facebook पर हमारे साथ जुड़ने के लिए HTV News के Facebook पेज को लाइक करें और Twitter पर HTV News को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल HTV News, सच की आवाज़। नमस्कार।